हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार जवान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माई डियर, इससे पहले हम लोगों ने सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न की यात्रा सीरीज को यहां तक पहुंचा दिया। भोली शरामी पढ़ा, बेरी शरामी पढ़ा, अब आगे इस जर्नी को लेकर के चलते हैं। जितने लोग न्यू व्यूअर्स हैं वो लोग समझ लें कि कैंडल स्टिक्स की यात्रा सीरीज चल रही है। पहली कैंडल स्टिक्स पूरी हो चुकी है, सेकंड कैंडल स्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिपल कैंडल स्टिक्स इसके आगे आएगा, फिर एक बहुत बेहतर तरीके से मैराथन सीरीज लेकर के आएंगे जिसके अंदर पूरी तरह से हम लोग चार्ट एनालिसिस को इंक्लूड करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ द पिक्चर्स को। 4 से 5 घंटे की सीरीज होगी लाइव ना, तो वहां पर हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ना ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एक नया अनाउंसमेंट आप लोग के लिए करने जा रहे हैं कि यात्रा सीरीज के साथ साथ हम लोग एक पूछताछ सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। पूछताछ सीरीज में हम लोग दो काम करेंगे, एक लाइव आप लोग के साथ सैटरडे और संडे को कनेक्ट होकर के हम लोग आपके एक एक क्वेश्चन का उत्तर सामने सामने देंगे। ये पूछताछ सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, पेड वर्जन के साथ भी, ठीक है ना, पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्री रहेगी, मतलब ऐप पर आपको इसका एक्सेस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। दूसरी चीज, पूछताछ सीरीज में जो आपके क्वेश्चन बच जाएंगे तो उसकी वीडियो इसी तरीके से बना करके आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर, जिससे हमारे व्यूवर्स बेहतर तरीके से एजुकेट हो सके। साथ ही साथ अगर किसी को जीरो से लेकर फाइनल तक पढ़ना है, बिगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना है, प्रोफेशनल ट्रेडर तक पढ़ना है, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और अपनी संस्था का ऐप डाउनलोड कर ले, या फिर नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ लें कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और कौन से बैच में जुड़ने से आपको क्या फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग YouTube पर इतने प्यार से जुड़े हुए हैं, YouTube पर मैं कोई ऐसी चीज छोड़ता ही नहीं हूं जिससे आप और हम बेहतर तरीके से एक दूसरे के लिए वैल्यू ऐड कर सके। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो पियर्सिंग लाइन की बात करने जा रहे हैं, डबल कैंडल स्टिक्स की, सबसे बेहतर कैंडल स्टिक्स की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आपको पता है सारा ट्रेडिंग स्कूल इसको इतना सरल बना देगा कि आपको मौज आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपको यह देखना है कि पियर्सिंग लाइन में हमें कैंडल स्टिक्स कैसे देखने को मिलती है। डबल कैंडल स्टिक्स की बात होती है, पियर्सिंग लाइन में सबसे पहले इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो बड़ी कैंडल है ना, अभी रेड और ग्रीन पर मत जाओ, पहले मान लेते हैं रेड कैंडल है, ठीक है ना, लेकिन अभी आगे पूरे पिक्चर को क्लियर करेंगे। अभी ये मान के चलिए कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, इस कैंडल पर ध्यान दीजिए और इस कैंडल का 50% काट दीजिए। क्या कर दीजिए, इस कैंडल का 50% बीच से ना कट कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर एक दूसरी कैंडल, चाहे वो यहां से फॉर्म हो, चाहे यहां से फॉर्म हो, चाहे कहीं से भी फॉर्म हो, बस दूसरी कैंडल कहां से फॉर्म होनी चाहिए उसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को आप ऐसे समझिए। यहां से ये कैंडल फॉर्म होती है, ठीक, ये जो इसका 50% कटा है ना, ये इसके अबव होनी चाहिए और ये इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। अब ये नहीं कि यही सही रिजेक्शन मिला है, उसके आगे भी अगर आपको एक वीक दिखाई देती है तब भी कोई परेशानी नहीं है। अभी हम इस चीज को पूरा आगे डिस्कशन करेंगे, पहले एक पिक्चर अपने जहन में रखिए, बड़ी कैंडल को 50% के साथ कट कर दीजिए। तो आपने यहां देखा 50% के साथ कट कर दिए, जो दूसरी कैंडल है वो इस 50% के अबव क्लोज होनी चाहिए, ग्रीन कलर है तो, और इसके नीचे इसका ओपन होना चाहिए, ठीक। अब इससे रिलेटेड और भी पिक्चर्स देखेंगे, सिंपल सी बात समझिए, अभी एक एक करके चीजें को क्रिस्टल क्लियर करिए, ठीक। अब आते हैं भैया दूसरे नंबर पे, चलो यहां से पिक्चर को एकदम बेहतर तरीके से समझो। ये आप देखिए, ये आपको मिल गया एक रेड कैंडल, रेड कैंडल के मैंने कहा था यहां से 50% कट कर दीजिए। फिर आपको ये दूसरी कैंडल दिखी ग्रीन कलर की, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका 50% हमने कट किया है। यहां से लेकर यहां तक में आप देख रहे हैं कि इसका ओपन और क्लोज किस तरीके से ये डिजाइन किया गया, ठीक। अब थोड़ा पढ़ते हैं, दिस इज टू कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक ना, तो ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिए। ट्रेंड रिवर्स्ड पैटर्न, ट्रेंड जो है यहां से रिवर्स्ड होता है वो भी आगे पढ़ेंगे।
इफेक्टिवली फाउंड ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड में बढ़ रही है तो और अच्छी है। अभी ये सब आगे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट कैंडल रेड बेयरिश होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल रेड बेयरिश हो गई। सेकंड कैंडल ग्रीन बुलिश होनी चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन बुलिश हो गई। बोथ कैंडल शुड बी बिग, दोनों कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ठीक है भैया। इसको भी बिग कर दिए, इसको भी बिग कर दिए। ग्रीन कैंडल ओपन बिलो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ओपन बिलो रेड कैंडल, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमने देखा कि ठीक है भैया, इसके नीचे ही ओपन हुआ। ग्रीन कैंडल क्लोज स्लाइटली बिलो द टॉप ऑफ रेड कैंडल, इसके पहले ही ये क्लोज होनी चाहिए। ये सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। कहीं से कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब एक कदम और आगे चलिए। कहीं से देखो कोई क्वेश्चन आया करे ना, तो क्वेश्चन पूछने में आप झिझकिए मत, नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ना तो हम उसको चार कितनी बार बनाना पड़े बना देंगे, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखिए कि एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है भैया, रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। रेड कलर की जब कैंडल फॉर्म हो गई तो इसी को हमने 50% से कट कर दिया, यहां से 50% से कट कर दिया। ये बताया गया कि ये जो है ना, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनती है ये भी बिग होनी चाहिए, ये भी बड़ी होनी चाहिए। शर्त क्या है कि इसका जो ओपन है वो इसके क्लोज से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो ये क्लोज है, इसका ये जो क्लोज है ये इसके ओपन से स्लाइटली नीचे होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए नीचे, यहां तक बात समझ आ गई। 50% बॉडी अगर आप बड़े वाले रेड कैंडल को कट करोगे तो 50% कट करने पर आप देखिए कि ग्रीन कैंडल इसके अप में होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि इसके ओपन से, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल का जो ओपन, सॉरी, ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है वो रेड कैंडल के ओपन से नीचे होना चाहिए। तो ये शर्त आपको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। कोई समस्या हो तो प्लीज आप नीचे जरूर पूछा करिए, ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा सा पियर्सिंग प्राइस का हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई, यहां पर, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको यहीं से दिख जाना है कि यहां से यहां तक के बीच में आपको एक स्लाइटली गैप दिख रहा है, और यहां से यहां तक की प्राइस में भी आपको एक गैप दिख रहा है। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आ गया कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई है और इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये दोनों के बीच में इस तरीके से एक गैप होना चाहिए। इसको इजी भाषा में समझने के लिए हम बड़ी वाली कैंडल को 50% से कट कर देते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीन कैंडल बिग बनी है ये इसके थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और इस वाले के ओपन से ग्रीन वाली का क्लोज नीचे होना चाहिए। और यहां पर रेड कैंडल के लिए इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसका जो ओपन है ये इसके क्लोज से नीचे होना चाहिए। तो यहां तक आप बात समझ में आ गए। उसके बाद आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसको भी अभी हम आगे समझेंगे। फिलहाल हमें पियर्सिंग पर सबसे ज्यादा फोकस्ड करना है, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ी समय लगता है, लेकिन आप एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे अलग अलग पिक्चर्स से, तो आपकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आप थोड़ा इसके रूल्स के तहत समझते हैं कि भैया पियर्सिंग लाइन का रूल क्या कहता है, ये जो पियर्सिंग लाइन हम पढ़ रहे हैं इसका रूल आपको हमको क्या कहता है। तो चलो रूल्स पर थोड़ा सा हम समझदारी करते हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न इज अ टू कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न। टू बुलिश मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है ना। दैट अपीयर्स द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड के एंड में फॉर्म होती है। इट इज कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल इंडिकेटिंग पोटेंशियल रिवर्सल ऑफ द डाउन ट्रेंड मूवमेंट एंड अ शिफ्ट टूवर्ड एंड अपवर्ड ट्रेंड। मतलब डाउन ट्रेंड में बने तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद यहां से ये फॉर्म होती है और अप ट्रेंड की ओर लेकर जाती है। यहां तक तो हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल भी चीजों को समझ लिया। अब थ्योरेटिकल थोड़ा सा इस चीज का फॉर्मुलेट कर लेते हैं इसको, जिससे आपके पास डायरी में नोट्स बन जाए, उस ध्यान से हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। कहता है जो फर्स्ट कैंडल है, द फर्स्ट कैंडल इज अ लार्ज बेयरिश डाउन ट्रेंड कैंडल। मतलब डाउन ट्रेंड में पहली कैंडल बेयरिश होनी चाहिए, तो इसको हम लोग रेड कह देते हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग एन सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड मूवमेंट इन द प्राइस, मतलब प्राइस के मूवमेंट में क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड बता रहा है। दिस कैंडल रिफ्लेक्ट द
प्रिवेलिंग सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट बनती कैसे है भाई साहब? बन ऐसे रही है कि सबसे पहले मार्केट को एक दबाव के साथ, मतलब सेलर्स एक्टिव थे और मार्केट को दबाव के साथ बहुत बड़ी कैंडल के साथ, बिग कैंडल के साथ रेड में ये लेकर आ रहे थे, लेकिन नीचे से फिर उनको सेम वॉल्यूम के साथ क्या हुआ, वहां से उनको एक सपोर्ट मिल गया नीचे से बायर्स का। फिर बायर्स ने उनके प्राइस एक्शन को रिजेक्ट करके मार्केट को एक अलग पुश दिया और वो ऊपर होते 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 इसके 50% के ऊपर तक जाकर के सॉलिड क्लोज दी ग्रीन कलर की। तो उससे मार्केट में जो नया सेंटिमेंट बना वो रिवर्सल का बना और वहां से मार्केट के अपसाइड जाने की कंडीशन ज्यादा होती। इज इट फाइन? तो यहां पर हमने समझ लिया। सेकेंड कैंडल के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। द सेकेंड कैंडल ओपन्स लोअर देन द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल, जो कि आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। बताने का अर्थ यह है कि देखो, मान लो ये रेड कैंडल है तो यहां से ये ओपन होती है, यहां से ये क्लोज होती है। दूसरी कैंडल इसके 50% को काट दो तो 50% पे ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये यहाँ ओपन होती है और यहाँ क्लोज होती है। इसका बताने का सेंस ये था कि रेड कैंडल के ओपन से ग्रीन कैंडल का क्लोज नीचे होना चाहिए, रेड कैंडल की क्लोज से ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होना चाहिए, यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। देन द रिलायंस टू अपवर्ड द क्लोज अबव द मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस कैंडल बॉडी। मिड पॉइंट से 50% से काटना मैंने आपको सिखा दिया है। आइडियली द सेकेंड कैंडल शुड क्लोज मोर देन द हाफ वे अप ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। जो फर्स्ट कैंडल है जो आप 50% से काट रहे हैं ना, इसके हाफ से, हाफ वे इसी को आगे, इसी के ऊपर जानी चाहिए और वहां पर एक सॉलिड क्लोज ग्रीन कैंडल देनी चाहिए। तो वहां से हमें ये समझ में आ जाता है कि यहां से मार्केट में रिवर्सल है। अच्छा, थोड़ा सा इसको ना टेक्निकल हटकर लॉजिकल सोचो। तो लॉजिकल सोचना सिखाते हैं हल्का सा। लॉजिक्स ये कहता है कि अगर आपने कोई कैंडल बनाई है, चलो थोड़ा सा इसको ना एक पिक्चर्स में ले लेते हैं जिससे आपके पास जगह हो समझने की। तो यहां पर थोड़ा सा पिक्चर को ऐसे समझ लीजिए। अगर आपने एक ऐसे करके रेड कैंडल बनाई, अगर इसको आप 50% से काट देते हैं और यहां पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई देती है, यहां पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे करके फॉर्म होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती दिखाई देती है। इसका कहना यह है कि ग्रीन कैंडल का जो ओपन और क्लोज है, ये रेड कैंडल के ओपन और क्लोज से नीचे होनी चाहिए। तो साहब यहां पर तो चलो नीचे है, यहां पर भी नीचे है ना। अब जरा आप देखिए कि यहां से रिवर्सल हमें मिल क्यों रहा, उसका लॉजिक समझिए। आप अगर इसकी साइजिंग को मिलाइए ना और इसकी साइजिंग को मिलाइए तो आप देखेंगे कि 50% से कट होने के बावजूद ये कैंडल और ये कैंडल लगभग लगभग एक दूसरे के बराबर होती है, लगभग लगभग एक दूसरे के बराबर होती है। इस वजह से यहां से रिवर्सल इसलिए मिलता है क्योंकि तो सेलर्स और बायर्स कहीं ना कहीं दोनों जो बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं ना, दोनों ही इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों ज्यादा पावरफुल है और वहां से मार्केट को चेंज करने का दमखम रखते हैं। तो जहां तक डाउन ट्रेंड में आपको रेड कैंडल सॉलिड लेकर आई, वहीं से पियर्सिंग लाइन बनती है, पियर्सिंग लाइन ने ग्रीन कैंडल को फॉर्म किया, वहां पर आपके पास बायर्स बड़े एग्रेसिव थे और वहां से मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जाती है। इज इट फाइन? कहीं से कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछा करिए। और मैं लगातार आप लोग को बोलता रहता हूँ, माय डियर पढ़िए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और जितने स्टूडेंट सीरियस हैं वो जा करके ना चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी दुनिया है जहां पर आपको ऑल टाइम अपडेट रहने की बहुत आवश्यकता है। तो यहां पर आप देख लीजिए माय डियर कि एक डाउन ट्रेंड में आप चीजें देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में आपको यहां आते हुए चीजें दिखाई दी, यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको फॉर्म होते हुए दिखाई दी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आपको फॉर्म होते हुए दिखाई दी, यहां से आप 50% से इसको काट दीजिए। जब आप 50% से इसको काट देंगे तो आप देखेंगे कि इसके इसके बीच में एक गैप है, इसके इसके बीच में आपको एक गैप है। तो आपको गैप दिखा, दोनों का ओपन क्लोज के बीच में एक सॉलिड था, पियर्सिंग लाइन के ग्रीन कैंडल अपसाइड था, तो आपको समझ में आया। तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहां से एक रिवर्सल देखने को मिलता है जो कि किधर की ओर जाते हैं, अपवर्ड की ओर जाता है। इससे पहले मार्केट किधर की ओर थी, डाउन ट्रेंड की ओर थी, फिर बनता क्या है, पियर्सिंग लाइन
फॉर्म होता है। पियर्सिंग लाइन खींचने का सीधा तरीका क्या था, 50% काट दो। दूसरा तरीका क्या था, ग्रीन कैंडल 50% ऑफ पियर्सिंग लाइन के बॉडी के ऊपर होनी चाहिए और पहले वाली कैंडल के दोनों तरफ से नीचे होनी चाहिए, यहां से भी नीचे होनी चाहिए, यहां से भी नीचे होनी चाहिए। अब हो गई पिक्चर बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब बात करते हैं पियर्सिंग पैटर्न का थोड़ा सा, यहां पर एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं। यहां से देखो डाउन ट्रेंड, पहला कहा गया पिक्चर डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, दूसरा क्या गया बियरिश कैंडल बननी चाहिए, बनी है। तीसरा कहना है गैप डाउन ओपन होनी चाहिए पियर्सिंग लाइन से, ठीक है भैया बनी है। फिर चौथा कहता है बुलिश कैंडल होनी चाहिए, भाई बुलिश कैंडल बनी है। फिर कहता है क्लोज अबव, भैया क्लोज अबव हुई है। फिर कहता है यहां से मार्केट एक रिवर्सल ले लेगी, साहब मार्केट एक रिवर्सल ले ली, ठीक है ना। कहीं से कोई डाउट पूछते चलिएगा भाई साहब, पूछना बहुत जरूरी है। और अगर किसी को लगता है सुपर एडवांस एक्शन सीखना है, हैंड होल्डिंग सीखना है, एकदम जीरो से लेकर फाइनल तक बेहतर तरीके से सीखना है, स्टॉक मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स या फिर स्टॉक एंड इनइक्विटी म्यूचुअल फंड, तो आप बिल्कुल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के गोल्डलाइन नंबर पर कॉल करके हमसे बातचीत करिए और सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ सीखिए, शून्य से लेकर अंत तक पहले सीखिए, फिर 15 दिन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर 15 दिन के लाइव मार्केट में पेपर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आप एक अच्छे तैराक हो गए, तो चाहे नदी नाला कहीं पर भी आप, नदी हो समुद्र हो कहीं पर भी आप कूदने के लिए तैयार हो जाए, आप कूद ही पड़िए गम से, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को समझिए कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें तो डाउन ट्रेंड हो रहा था, फिर यहाँ पर आप देखिए एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, पियर्सिंग लाइन को काट दीजिए। अब मैटर करता है कि यहाँ से आप भैया ओपन और क्लोज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन भाई साहब हम एंट्री कहाँ करेंगे, ठीक है ना। फिर बोला जाता है कि भैया एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे एग्जिट कब करेंगे, ठीक है भैया एग्जिट कब करेंगे। फिर आपसे पूछता है कि भैया एंट्री एग्जिट हो गए साहब, एसएल कब लगाएंगे, चलो ठीक है भैया एसएल लगा लिए। फिर पूछता है कि भैया टारगेट कब लगाएंगे, चलो ठीक है टारगेट कब लगाएंगे। तो पहले आपने देख लिया डाउन ट्रेंड हो गया, पियर्सिंग लाइन आपने खींच दिया, इसको पीएल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। फिर आपने टर्म एंड कंडीशन देख लिया कि दोनों एक दूसरे से लो लो में ही है। फिर यहाँ से आपको पता है कि मार्केट एक रिवर्सल ले लेती है और अप ट्रेंड की ओर जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एंट्री कहाँ होगी। एंट्री से पहले हम लोग सबसे पहले गोल्डन रूल पे चलते हैं, पहले गोल्डन रूल एक बार समझ लेते हैं, फिर इस पिक्चर पर आकर के आपके सामने हम डिस्प्ले करेंगे कि कहाँ से आप लोगों को पियर्सिंग लाइन में अपनी एंट्री एग्जिट बनानी चाहिए। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर रेड कैंडल थी, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, पियर्सिंग लाइन खींच दीजिए, ग्रीन कैंडल और पियर्सिंग लाइन के बॉडी के ऊपर होनी चाहिए ना, पियर्सिंग लाइन जो है ना, ये बॉडी जो बन रही है ना पियर्सिंग लाइन के बाद 50% से आप काटेंगे तो ग्रीन बॉडी उस पियर्सिंग लाइन से ऊपर होनी चाहिए और रेड कैंडल के दोनों में चाहे ओपन हो क्लोज हो वहां से नीचे होना चाहिए। बात समझ में आ गई। इसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल मिलता है, यहाँ पर भी बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी हमको देखने को मिला कि ठीक है भैया यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखी, ग्रीन कैंडल दिखी, पियर्सिंग लाइन दिखी, एंट्री एग्जिट। अभी हम लोग समझते हैं, पहले गोल्डन रूल समझ लेते हैं। चलो भैया गोल्डन रूल को कॉपी पेन ले लो, ईमानदारी के साथ जुड़ जाओ, सीखो। कहता है कि सबसे पहले पियर्सिंग लाइन के लिए ट्रेंड कैसा होना चाहिए, तो ट्रेंड साहब डाउन ट्रेंड होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए, तो फर्स्ट कैंडल साहब हमारी जो है ना वो रेड कलर की होनी चाहिए, तो ठीक है भैया रेड कलर की बन गई। दूसरी कैंडल साहब कैसी होनी चाहिए, तो बोलता है साहब दूसरी कैंडल जो है ना वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो थोड़ा देखिए ग्रीन कलर की थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन ग्रीन कलर की थी तो हमने वही एक्सपीरियंस कराने के लिए आपको ग्रीन कलर की बना दिया, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा। फिर बोलता है चलो भाई हम थोड़ा पियर्सिंग लाइन भी खींच देते हैं, तो पहले पियर्सिंग लाइन 50% से खींच दीजिए, शर्तें देख लेते हैं, तो हाँ बिल्कुल शर्त पे ये फिट बैठ रहा है। फिर यहाँ दिखता क्या है, एक बेहतर तरीके से रिवर्सल दिखता है, ग्रीन कैंडल ओपन बिलो द रेड, बिल्कुल सही समझ में आ गया। टाइप क्या होती है, बुलिश, यहाँ से मार्केट अपवर्ड हो जाती है। बॉडी कैसी होनी चाहिए, दोनों लॉन्ग होनी चाहिए, बिग होनी चाहिए, जिसको हम लोगों ने पहले भी आपको पढ़ा दिया बता दिया। तो यहाँ तक तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई गोल्डन रूल का, आपने इसको सजा भी लिया होगा। बार बार कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने में बुराई नहीं है, लीजिए गैलरी में खोना जाए, इतना तो सेंस आपके पास होगा ही। और मैं बार बार कहता हूँ डायरी पेन के साथ पढ़िए, ठीक है ना माय डियर। पंक्चुअल होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाने जरूरी है। बाकी अगर आपको लगता है ऐसा क्यों करें, तो एक बार ना सेबी के जाकर के ना वेबसाइट पे ना उनकी कुछ गाइडलाइंस पढ़िए, जो ब्रोकर्स आप यूज करते हैं ना, चाहे आप ब्रोकर्स फॉर्म में आप स्टॉक्स यूज करिए, ग्रो करिए, जीरोधा करिए, सबके डिस्प्ले पर मैंडेटरी हो गया। जब वो डिस्प्ले देखते हैं ना, तो उस पर लिखा होता है 10 में 9 इस दुनिया में आकर के लॉस करते हैं। इसलिए प्रभु, इसलिए मेरे मित्रों, इसलिए दोस्तों, इसलिए मैं डियर स्टूडेंट, नोट्स बनाइए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए,
जरूरी नहीं है कि जब आपको लगे कि भैया खाली हमें पढ़ना है, सीखना है, कोर्स लेना है, तभी आप हमारे साथ जुड़िए। नहीं, ये बोर्ड लाइन नंबर आपके हेल्प के लिए भी बनाए गए हैं। पढ़ाई से जुड़े हुए कोई समस्या है तो भी आप बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करिए, हमारे लोग आपको असिस्टेंस देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने कहा पूछताछ सीरीज, मुझे नीचे जरूर बता दीजिएगा कि क्या हमें पूछताछ सीरीज लेकर आना चाहिए। बहुत बेहतर तरीके से हमने उसमें रिसर्च किया है, ये सोच करके कि हम ऐप पर अपने स्टूडेंटों के साथ ना सैटरडे और संडे को बैठ करके ना रिसर्च करेंगे, उनसे कुछ समझेंगे, उनको कुछ सिखाएंगे। तो इसका लाभ लेने के लिए नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हम लोग के साथ ना बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके भी पूछताछ सीरीज के संदर्भ में भी बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम सभी में ये एकदम बिल्कुल ट्रू है। अगर हम बात करें कि एंट्री कहाँ से लेंगे, तो कहता है अबव सेकंड ग्रीन कैंडल, जो दूसरी ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी ना वहां कहीं हम अपनी एंट्री बनाएंगे। फिर कहता है स्टॉप लॉस, कहता है बिलो सेकंड ग्रीन कैंडल, जिससे पहले वाली ग्रीन कैंडल बनी थी वहां कहीं हम लोग अपना क्या बनाएंगे, अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे। टारगेट क्या कहता है, कहता है अंटिल मार्केट चेंज, जब तक मार्केट चेंज ना हो जाए। थोड़ा भैया इसको समझ लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही आप लोग को मजा आ जाएगा। चलिए अब इस पे हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां से आप लोग को कमर कसना है क्योंकि यहां से एंट्री और एग्जिट के बारे में बात होगी। सबसे पहले साहब ट्रेंड, तो लिखिए डाउन ट्रेंड, ठीक है भैया डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन सी कैंडल बननी चाहिए भैया, तो पता चला सर रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। फिर दूसरी कैंडल कौन सी बननी चाहिए बाबू, तो पता चला सर ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, तो ठीक है एकदम बहुत अच्छा जवाब आपका, ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। शर्तें क्या होती हैं, जो पियर्सिंग लाइन है पियर्सिंग लाइन को येलो कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, कितने में काट लो 50% पर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। शर्तें क्या कहती हैं कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, हल्का सा एक प्रकार का ये इससे डाउन में और ये इससे डाउन में होनी चाहिए, बिल्कुल भैया डाउन डाउन में हो गई ना। अब यहां से हमें मिलता क्या है, हमें सर मिलता है रिवर्सल, तो यहां तो देखिए रिवर्सल मिल गया। अब सर हमारी एंट्री कहां होगी, थोड़ी देर वेट कर लो, एक और ग्रीन कैंडल बनने दो, ये ग्रीन कलर की कैंडल बनने दीजिए, थोड़ा सा इसको ग्रीन ही बना देते हैं और पिक्चर आपको साफ क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। एक यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल बनने दीजिए, ये ग्रीन कलर की अगर बनती है तो आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है, क्या आपको मिलता है एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है, कंफर्मेशन कि अब हम यहां से अपनी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि पियर्सिंग लाइन आपकी एक अच्छी बड़ी मजबूत कंफर्मेशन लाइन देती है। तो अब यहां से हमने क्या देखा कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है, अब आप अपनी एंट्री कहां बनाएंगे, तो देखो यहां से भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं या फिर यहां से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। शर्त क्या है, प्राइस एक्शन देख लेना और वॉल्यूम देख लेना, ठीक, इन दोनों के बीच में हमेशा रिलेशन रखना। तो अगर आपको लगता है कि यहां से बनाना चाहिए तो यहां से आप अपनी एंट्री बनाइए, ये ज्यादा सेफ है। यहां से भी अगर आप बना लेते हैं तो दूसरा कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि मार्केट में यहां से लेकर यहां तक फिर मार्केट यहां तक वापस आ रही है या आपको एक कंफर्मेशन कॉल दे रही है, तो आप यहां कहीं अपनी एंट्री बना सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि यह मूवमेंट पर निर्भर करता है। तो क्योंकि अब यहां पर मार्केट है तो कुछ लोग सोचेंगे सर यहां कैसे एंट्री कर सकते हैं, मेरे भाई ये मूवमेंट की मार्केट होती है, जरूरी नहीं कि यहां पर क्लोज आपको दिखा रहा है तो यहीं पर खड़ी, पहले यहां पर थी फिर यहां तक आई होगी, यहां तक आने के बाद फिर यहां तक जाए क्लोज हो गई होगी ना, 15 मिनट का तो कैंडल लगा हुआ ना, इतना तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं ना, डे फर्स्ट की क्लास हो गई पूरी सिंगल कैंडल स्टिक्स की। और अगर जितने लोग न्यू व्यूवर्स सेकंड कैंडल के पियर्सिंग से जुड़े हुए हैं, आइडिया मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसको तो पूरा देख लीजिए, नोट्स यहां से बनाइए, लेकिन प्लेलिस्ट में जाइए और यात्रा सीरीज की पहली वीडियो से आप स्टार्ट करिए। बहुत डंके की चोट पर मैं बात कर रहा हूं, चाहूं ना तो इसे 1 घंटे में भी, 15 मिनट में भी, आधे घंटे में भी सारा कुछ समा करके एक ही बार में दे दिया जा सकता है। जैसे अन्य लोग यूनिवर्सिटी पर क्या कर रहे हैं, 1 घंटे 15 मिनट 20 आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर वो दुनिया के जितने भी फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ट्रिपल कैंडल वॉल्यूम प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस फंडामेंटल सबको मिला के 5 घंटे 45 मिनट में आपको परोस दिए, आपको भी लगा कि टाइम बच गया। अच्छा आप इतने बिजी हैं भाई साहब, व्यस्त आदमी की पहचान अलग होती है, अस्त व्यस्त की अलग होती है, आपको लगे कि आधे घंटे में संपूर्ण ज्ञान ले लेना, सीधी बात करो, चाहे आप सब्सक्राइब करें चैनल चाहे ना करें, लाइब्रेरी में बैठ जाने से ब्रह्मा भी हो जाते हैं हम, ठीक है ना। पहले आप इस चीज को सीखिए समझिए पढ़िए, मैंने आपके लिए आपको वैल्यू देने के लिए आधे आधे घंटे 45 45 मिनट की एक एक कैंडल पर वीडियो बनाई है,
मैंने अपनी एनर्जी दी है, मैंने अपना टाइम दिया है, और उसके बाद में हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ ये मांग रहे हैं कि डायरी पहन लीजिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, फिर पूछिए, कहीं समस्या आती है वो लाइन नंबर पे जुड़ करके भी उसको क्लियर करिए। जितना ज्यादा हैंड होल्डिंग करा सकते हैं हमसे कराइए, हम डेडिकेटेड है सिर्फ इसी चीज के लिए। सना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ एक सपने के साथ काम कर रहा है कि हम 1 लाख स्टूडेंट को नर्चर कर सके, फाइनेंशियली लिटरेट कर सके, दुनिया में एजुकेट कर सके, जिससे वो सफल हो जाए और फिर स्वयं पहले सफल हो और फिर उसके बाद वो फिर समाज हित में भी अच्छा कोई काम करे। इसी उद्देश्य के साथ जैसे आपने YouTube चैनल पर इतना मुझे प्यार दिया है, इस मुहिम में भी आप जुड़िए, लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए, जिससे भी हमें मोटिवेशन मिले। बाकी आपने जितना किया मैं आपसे बहुत खुश हूं, मैं दिल की गहराइयों से आप लोग को बहुत बहुत आभार देता हूँ। यहाँ पे माय डियर आपने एंट्री कर ली, चाहे यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप अपना एसएल यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं तो सेफ शॉट रहना है तो अपना एसएल यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि एसएल की क्लास एकदम बहुत परफेक्ट मैं आप लोग को बताऊंगा, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए। अगर आप लोग उसके लिए मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताते रह गए तो ये मान कर चलिए कि मैं आप लोग को एसएल के लिए जो प्रीमियम क्लास में देता हूँ ना, एकदम सेम कंटेंट बिना कुछ इधर उधर बताए, एडिशनली आपके साथ लाइव मार्केट में खड़े होकर के स्टॉप लॉस लगाना बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा, वो भी प्राइस एक्शन सुपर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा। वो एक अलग लेवल पर रहेगा, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, कैंडलस्टिक्स के थ्रू ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, दोनों आप लोग फॉलो करते हुए चलिएगा। यहाँ पे ऐसा लगाते समय रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के तहत ही व्यक्ति को डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, एक टीचर होने के नाते मैं लगातार आपसे कहता हूँ, ये 40% रूल है, लोग इस पर आप लोगों को व्यूज के चक्कर में या जो भी उनका इंटेंशन हो वो आप लोगों को बता देते हैं, समझा देते हो, बताते हैं, पूरी दुनिया यही है। मेरे भाई मैं आपको सिंपल बताता हूँ, टीचर का मतलब होता है ना चीजों को, पिक्चर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना, कोई चीज गले में नहीं रखना ना। मैं व्यूज का भूखा नहीं हूं, ठीक है। मेरे सेंटेंस में सिर्फ ये है कि 40% ही खाली ये रूल एंड रेगुलेशन आपके लिए काम करता है, 60% तो ये जो हम और आप बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि सब कैंडल कैंडल की बात करता है, अरे भाई 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर वो शॉर्ट्स बना दे तो बोलिए कि पियर्सिंग लाइन क्या होती है, 1 ही मिनट में आपका काम खत्म हो जाएगा, मेरा भी बहुत बेहतर हो जाएगा, एनर्जी बच जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ के लिए आपका जो टर्म एंड कंडीशन है, जो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके पीछे के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा ही पैसा है ना, उतने पैसे में आपको सारा काम करना है। अब आपने एसएल मान लीजिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखा नहीं और इस पैटर्न के हिसाब से आपने अपने एसएल मेंटेन कर लिया और किसी वजह से वो फेक ब्रेक ब्रेकआउट था या फेक ब्रेकडाउन था और आप उसके चपेट में आ गए और मेरे स्टूडेंट का, मेरे व्यूअर्स का अगर लॉस हो गया तो आपको पता है कि कितना लॉस हो गया। क्योंकि अब अगर वो अपने डिसीजन भी लेता है तो उसके पास प्रीमियम ही नहीं है, फिर वो कहीं जाकर ओटीएम में आईटीएम में तो ट्रेड कर ही नहीं पाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एसएल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे लगाया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड लेने से पहले जो आप रिस्क ले लेते हैं ना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का जो भी आप करते हैं अपने डिसीजन से, मैं अभी भी कहता हूँ पहले उसको इन्वेस्ट कर लीजिए ना, पहले उसको इन्वेस्ट कर लीजिए अपने एजुकेशन पे, पहले शिक्षित हो जाइए और वो आपके पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा, ना कि पहले आप यहाँ पर एक गैम्बलिंग की तरह, एक निगेटिव एटीट्यूड की तरह आप जाए और लॉस करें, वो बिल्कुल गलत एटीट्यूड हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा लग गया, यहाँ पे एंट्री एग्जिट हो गई, अब पता चलता है कि भैया हम यहाँ से कहाँ पर अपना क्या करेंगे टारगेट। तो टारगेट के लिए आप लोग याद रखिएगा कि अपने एसएल का हमेशा 2 गुना 2.5 गुना टारगेट बना करके चला करिए। दूसरी शर्त यह है कि जब भी कभी भी मार्केट में आपको एक रिवर्सल ट्रेंड चेंज हो जाए, जैसे अब इसी को ही हम थोड़ा सा पिक्चर को ध्यान में रखते हैं, ये सब तो आपने सीख लिया पढ़ लिया। अब यहाँ पे इस पिक्चर को अगर ध्यान में रखते हुए देखें कि यहाँ पे हमें पियर्सिंग लाइन देखने को मिली, ये वाले पे हमने अपनी एंट्री बनाने की सोची थी, लेकिन यहाँ कहीं हमने अपनी एंट्री बना ली, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एंट्री बना ली और 50 रुपए में खरीद लिया। अब स्टॉप लॉस की बात रही तो हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, एसएल हमने लगा दिया 35 रुपीज का। अब देखो मार्केट ये यहाँ यहाँ और मार्केट यहाँ तक चढ़कर आती है यहाँ पर। अब आपको लगता है कि सर यहाँ पर मेरा जो है 120 रुपीज हो चुका है, अब क्या मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँ? तो पहला एटीट्यूड ये होती है सीखने वाली बात, पढ़ तो कितना भी लो, एक रूल्स बनाओ। क्या रूल्स? पहला है बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट, पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लो ना,
तो यहां पर पहला क्या हुआ, मैं अगर सिखाता हूं ना पेड क्लास में, तुम्हें कोई रहते नहीं पढ़वाता हूं, सिंपल है, कम खाना है ना। ये नहीं कि पैसा बह रहा है तो तुम अब ड्रम लेके खड़े हो, पूरा ड्रम नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई 50 रुपीज पाया था सर, 120 रुपीज इज क्वाइट एनफ, चलते हैं सर अब दूसरा काम वाम करते हैं। ये हुआ राइट एटीट्यूड माय डियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, बुक करिए अपना प्रॉफिट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रो ट्रेडर की ओर जा रहे हैं, आप पूरा एक्टिव ट्रेडर की ओर जा रहे हैं, आप अपना पूरा करियर ही यही बनाना चाहते हैं, तब तो भाई हर लाइन पैसा दे रही है, गलत एटीट्यूड नहीं है। लेकिन प्रो ट्रेडिंग की बात किया, तो अगर किसी को लगता है प्रो ट्रेडिंग करना है ना, प्रो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है ना, तो भी मुझे नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमसे पूछिए, या फिर ऐप डाउनलोड करके प्रो ट्रेडिंग की क्लासेस में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। शून्य से लेके अंतिम तक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने की पूर्ण जिम्मेदारी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की है, बाकी आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमने आपको यह बताया कि मान लीजिए यहां कहीं पर आपने अपना डिसीजन बनाया कि यहां से हम एग्जिट करें या नहीं करें, तो हमने बता दिया भाई अपना एग्जिट यहां से करना है। लेकिन अगर किसी वजह से आप बने रहना चाहते हो, इस कैंडल का भी लाभ लेना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं एसएल मेंटेन करना। तो अब आप क्या करिए, अपना एसएल जो है ना वो मेंटेन कर लीजिए, 120 रुपीज का चल रहा था, ये जो एसएल है इसको मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर 35, जो 50 रुपीज में गए थे 35 लगाए थे, अब मार्केट 120 जा रही है, तो यहाँ पर 95 रुपीज लगा लीजिए, 100 रुपीज लगा लीजिए, जो आपको लगता है जितना आप रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो सेट करेंगे। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक की कैंडल में फिर एक मूव मिल जाएगा और ये 120, 160, 180, 200 के पास पहुंच जाएगा, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। दोनों एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आप ऐसा यहाँ नजदीक लगाते हैं ना, तो मैंने आपको बताया ना हर चीज के पीछे एक कंडीशन है, ये सब झूठ हो सकता है माय डियर, यहाँ फेक ब्रेकआउट से लेकर फेक कॉल सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलता। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर देखा और यहीं पर एक सॉलिड रिजेक्शन लगा हुआ था, यहीं पर जो है ना ऑपरेटर्स बैठे हुए थे, आप IIs DIIs की एंट्री थी जो कि सेलिंग पर बैठे थे, तो याद रखिएगा कि मार्केट जैसे यहां तक पहुंचती है ना, उसके बाद अचानक से आपको इतनी बड़ी एक रेड कैंडल कभी कभी देखने को मिलती है, वो फिर कहीं से भी आपके एसएल को बचाती नहीं है, वो एसएल को हिट कर देती है ना। और सिर्फ एसएल को हिट करती नहीं है, जितने रुपए पे आपने लगाया था उससे कहीं ज्यादा में जाकर के आपको एग्जिट करती है, इसकी वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो में ना एक रेड सिग्नल देखने को मिलता है, एक रेड देखने को मिलता है, जो आपको पैसे से तो कमजोर करता ही करता है, आपको कॉन्फिडेंस से भी कमजोर करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इन दोनों चीजों को बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से सीखें। इट इज नॉट ऑल अबाउट द 15 मिनट्स क्लास, इट इज नॉट ऑल अबाउट द एनफ कि हमने अब पियर्सिंग लाइन पढ़ लिया, हमने मारू गुजू पढ़ लिया, हमने शूटिंग स्टार पढ़ लिया ना। तो मैं आप लोगों को लगातार इस बात को लेकर के मोटिवेट करता रहता हूँ, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, ईमानदार रहिए अपने इस सफर को लेकर, पूछताछ सीरीज को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।